गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम साइंस में पढ़ने जा रहे हैं मूविंग एयर। इससे पहले हम पढ़े थे एयर अराउंड अस। हम एयर के बारे में इससे पहले वाली जो चैप्टर है उसमें पढ़ चुके हैं। तो एयर, एयर का मतलब होता है, आप लोगों को पता होगा, एयर का मतलब होता है हवा। तो इससे पहले हम हवा पढ़े हुए हैं। अभी आप लोग क्लास में भी बैठे हुए हैं, तो जहाँ पे हम हैं ये तो स्पेस फिलिप्स है, बाकी जो भी जगह है वहाँ पे क्या है, हमारा क्या भरा हुआ है, एयर। ये सारे जगह हवा है, लेकिन क्या हम एयर को देख सकते हैं? यस मैम, देख सकते हो? नो मैम, उसको फील कर सकते हैं। एयर को हम सिर्फ फील कर सकते हैं। यदि जब बिल्कुल ही एयर एयर नहीं चल एयर मीन्स हवा, जब हवा नहीं चलती है तो गर्मी महसूस होती है हमें। yes, सिर्फ हम फील करते हैं। जो बहुत गर्मी है आज, बिल्कुल हवा चल नहीं रही है आज। और सर्दी के टाइम में क्या होता है, फील करते हैं आज बहुत ठंड है क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है। तो सिर्फ हम हवा को फील कर सकते हैं, और बिना हवा के हम जी भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं वो भी हवा से, हवा ही लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ना। और हवा जो है, आज हम हवा के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। इससे पहले तो हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, एयर अराउंड अस। आज हम पढ़ेंगे मूविंग एयर। मूविंग एयर का मतलब होता है जो चलती हवा। मूविंग मीन्स मूव मीन्स होता है चलना। तो इसमें क्या क्या है, विंड है, ब्रिज है, स्टॉर्म, यूजेज ऑफ विंड। विंड मीन्स हवा। हवा का क्या क्या यूज है वो पढ़ेंगे। जैसे हम यूजेज ऑफ वाटर पढ़े थे, जो वाटर का क्या क्या यूज है, वैसे ही आज हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ वाटर। तो आप लोगों का जो पेज नंबर 75 है उसमें देखिए, एक मशीन भी यहाँ पे है, उसे इसमें कह रहा है जो कि इसमें कलर करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम विंड के बारे में पढ़ते हैं, जो विंड क्या है। एयर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स। आप लोगों को लिविंग थिंग्स पता होगा, जो लिविंग थिंग्स क्या है, लिविंग थिंग्स का मतलब होता है जिसमें जान हो। तो हम भी लिविंग थिंग्स हैं, और एनिमल्स भी है, वो भी हमारे तरह वो सांस लेते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं। पेड़ हैं, पेड़ भी लिविंग थिंग्स में आते हैं, क्योंकि पेड़ भी ग्रो करता है। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबको किसकी ज़रूरत है, एयर की ज़रूरत है, वाटर की नीड है। तो एयर की सांस, एयर एयर जो है सारे लिविंग थिंग्स के लिए ज़रूरी है। We कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील एयर वाइल रनिंग साइकिल और स्विंगिंग। कह रहे हैं हम जो है एयर को देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम इसे फील कर सकते हैं। फील कब करेंगे, मान लो कि हवा नहीं चल रही है, लेकिन फिर हम यदि हम साइकिल चला रहे हैं तो जब चलती रहोगी, जब हम चलते हैं तो मुझे ऐसा फील होता है जो कि हवा मुझे लग रही है। हम महसूस करते हैं, हवा को फील करते हैं। एयर कैन मूव, एयर मूव, एयर कैन मूव मीन्स होता है एयर जो है वो चल सकता है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो हमारे चलते हुए हवा होती है उसको हम बोलते हैं विंड। सेकंड नंबर में ब्रिज, स्लो मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रिज। अब आप लोग देखते होंगे हवा कभी एकदम धीरे धीरे हवा चलती है, कभी बहुत तेज चलती है। तो जो धीरे धीरे स्लो स्लो हवा चलती है, गर्मी के मौसम में जो बिल्कुल धीरे धीरे हवा चलती है, तो क्या हमें अच्छा लगता है, लगता है कितना अच्छा मौसम हो रहा है, गर्मी में हवा चल रही है, तो हमें सुकून मिलती है, हमें हम अच्छा फील करते हैं। तो वही, तो वो जो धीरे धीरे हवा चलती है उसको बोलते हैं ब्रिज। लेकिन उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रिज मेक्स अस फील कूल इन समर। और समर का मतलब होता है गर्मी। गर्मी के टाइम में जो ये हवा चलती है धीरे धीरे, वो हमें कूल रखता है। कूल मीन्स होता है ठंडा, कूल रखता है। इट मेक्स अस हैप्पी, और हम खुश होते हैं। बहुत गर्मी रहती है और हवा चलती है, जब हवा हमें लगती है तो हम लोग खुश होते हैं, राहत मिली, थोड़ा सा हवा चली। उसके बाद स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी। मीन्स वेरी फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड स्टॉर्म। स्टॉर्म मीन्स होता है आंधी। जब बहुत तेज की हवा चलती है, कभी 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 क्या, हर गर्मी में देखोगे बहुत तेज हवा चलेगी, पेड़ पौधे को उखाड़ फेंकते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉर्म मीन्स आंधी तूफान जिसे बोलते हैं, ठीक है।
स्टॉर्म आर ऑफन हार्मफुल, ऑफन मीन्स होता है अक्सर। ये जो आंधी तूफान है वो हमारे लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है। हार्मफुल का मतलब होता है नुकसानदायक। दे ब्लो अवे थिंग्स, दे डैमेज हाउस प्लांट्स ट्री बोर्ड ईटीसी। कभी कभी इतने आंधी तूफान होते हैं जो हमारे जो 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 कमजोर घर होते हैं, जैसे कि कच्चा हाउस झोपड़ी वगैरह होते हैं, उसे तो वो उड़ा ही ले जाते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं। बोट बोट में सोता है नाव, यदि पानी में नाव चल रही है तो उस आंधी तूफान में नाव को भी डुबा देता है, पेड़ पौधे को उखाड़ फेंकता है। तो आंधी में यही होता है। अब है लास्ट टॉपिक है तुम्हारा यूजेज ऑफ वाटर। तो यूजेज का मतलब होता है प्रयोग करना। तो हम हवा का क्या प्रयोग करते हैं, तो विंड हेल्प अस इन मेनी वेज। हवा जो है हमें वो बहुत ही बहुत तरह से हमें हेल्प करती है। सबसे फर्स्ट विंड हेल्प टू ड्राई क्लाउड्स। यदि अभी सर्दी के टाइम है, धूप नहीं निकलती है, हवा भी नहीं चलती है, तो हमारी कपड़े देखते हो तीन तीन चार चार दिन में सूखते हैं ना। लेकिन जब हवा चलेगी तो तुरंत कपड़ा सूख जाता है। तो वही कह रहा है, सबसे पहले हमारा जो ड्राई मीन्स होता है सुखाना, हवा जो है वो हमारी कपड़ा को सुखाने में मदद करते हैं। विंड हेल्प अस टू, विंड हेल्प अस टू फ्लाई काइट्स। और जब आप लोग काइट्स उड़ाते होंगे तो हवा रहती होगी तो काइट्स अच्छे उड़ते होंगे। हवा नहीं रहेगी तो क्या काइट्स को उड़ा पाओगे ढंग से? तो वही कह रहा है, जो विंड हेल्प अस टू, हवा जो है वो हमें कहाँ कब है किस में हेल्प करते हैं, काइट्स मीन्स पतंग उड़ाने में। विंड हेल्प अस टू मूव सेलिंग बोट्स। और जब बोट्स चलाते हैं नाव, उसमें भी हवा हमारी हेल्प करती है। विंड हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ प्लांट सीड्स। विंड हेल्प अस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और हवा जो है वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी मीन्स ये जो हमारे बिजली है, विद्युत है, उसको भी उसे भी उत्पादन जनरेट मीन्स होता है, उसे भी बनाने में मदद करते हैं। और सांस तो हम लेते ही हैं, तो हवा, यदि हवा मेरी सांस बंद हो जाए तो क्या हम जी पाएंगे? तो समझ आ गई एयर को कितने टाइप्स दिखाया गया है। पहला दिखाया है विंड। तो आप लोग को मैंने आज एयर के बारे में बता दिया। आप लोग इसे रीड कीजिएगा, समझिएगा, खुद भी कोशिश कीजिएगा जो कि इसका अर्थ क्या है समझने का। तो मूविंग एयर किसे, विंड किसे कहते हैं? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। स्टॉर्म इज वेरी फास्ट मूविंग एयर, जो बहुत तेज की हवा चलती है, जिसे हम आंधी तूफान कहते हैं, वो है हमारा स्टॉर्म। स्टॉर्म इज ऑफन हार्मफुल। तो चलिए आप लोग इसे रीड कीजिएगा, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। थैंक यू।